विक्रम यादव का स्वागत है। कोटा से बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस विधायकों का गुस्सा फूटा है। कांग्रेस विधायक भरत सिंह और राम नारायण मीणा ने नाराजगी जाहिर की। चंबल सिंची क्षेत्र परियोजना काड़ा की बैठक जाहिर की, इसमें नाराजगी। दरअसल जर्जर नहरी तंत्र और अभियंता ठेकेदार गठजोड़ को लेकर सवाल उठाए गए हैं। और ये उस मीटिंग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कांग्रेस के दो नेता भरत सिंह और राम नारायण मीणा दोनों ही काफी वेटरन लीडर हैं और दोनों ही एक दौर में बड़ी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जरा सुनिए। मारिसियो की भवर चरण जुड़े हुए भवर, दोनों ही काफी वेटरन लीडर्स हैं। अगर वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों के उस काम काज से वो संतुष्ट तो बिल्कुल नहीं, उनके पास कुछ इनपुट भी होगा, जरा इन्फॉर्म कीजिए। बिल्कुल, देखिए जो सेंट्रलाइज सिस्टम बन रखा है और जयपुर में जो चीफ इंजीनियर बैठते हैं उनकी कार्यप्रणाली को लेकर के सवाल खड़े किए गए, टेंडर प्रक्रिया को लेकर के सवाल खड़े किए गए और जो भारी भरकम 1200 करोड़ का बजट परसों पहले सीईडी को मिला हुआ है, बावजूद इसके नहरी तंत्र पूरी तरह से जर्जर है और आज भी टेल क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच पाना एक समस्या बना हुआ है। यही सब कुछ मुद्दे दोनों विधायकों के द्वारा उठाए गए और बैठक में बूंदी और कोटा कलेक्टर्स के अलावा संभागीय आयुक्त दीपक नंदी भी मौजूद थे जो जिनकी अध्यक्षता में ये पूरी बैठक हो रही थी। तो कांग्रेस विधायक रामनाथ मीणा और भरत सिंह दोनों जमकर फट पड़े, जमकर उन्होंने अभियंताओं के बहुत सारे उन्होंने लेकुनाज गिनाए और इस बात पर जोर दिया कि नहरी तंत्र को इतना सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है कि किसान को परेशान नहीं होना पड़े सिंचाई के पानी के लिए और खासकर टेल क्षेत्र तक पानी नहीं पहुंचने की जो समस्या है उसका समाधान किया जाए, लेकिन जब तक सीईडी तंत्र में गंभीर भ्रष्टाचार से नहीं निपटा जाएगा तब तक टेल क्षेत्र का किसान इसी तरह से परेशान होता रहेगा और घटिया निर्माण के चलते नहरें आए दिन जर्जर होती रहेगी, टूटती रहेगी और सीपेज लीकेज की समस्याएं बनी रहेगी। साथ में जो नहरी पानी की चोरी का जो मसला है वो भी जमकर के बैठक में गूंजा है। तो कुल मिलाकर के आज की जो बैठक है विजेंद्र वो हंगामा खेज बैठक रही है। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।